आप देख रहे हैं दखल न्यूज। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड सिटी में दो मस्जिदों में गोलीबारी, 40 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर एस श्रीसन से आजीवन प्रतिबंध हटाया, कहा बीसीसीआई सजा तय करे। रायपुर में बोले राहुल गांधी, कहा सबसे विचार विमर्श करके चलेगी सरकार। विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पैनल में शिवराज और साधना सिंह के नाम। और जबलपुर में फूड पॉइजनिंग, दूषित खाना खाने से 150 विद्यार्थी हुए बीमार। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सबसे पहले एक बड़ी खबर टेरर अटैक की। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड सिटी में दो मस्जिदों में गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि 50 राउंड गोलियां चलाई गईं। एक चश्मदीद ने बताया कि अल नूर मस्जिद में गोलीबारी की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई है। क्राइस्ट चर्च के उपनगरी इलाके लिनवुड में भी एक मस्जिद पर हमला किया गया। इस हमले में पहली बार सामने आया कि आतंकी हेड गियर में कैमरा लगाकर आया था। आशंका है कि हमले की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऐसा किया गया होगा। जिस समय यह हमला किया गया उस समय बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मस्जिद में ही थे। न्यूजीलैंड के स्थानीय समाचार चैनलों में शूटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि यह फुटेज उस आतंकी के अकाउंट की है जिसने मस्जिद में हमले को अंजाम दिया है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में हत्याकांड के वीडियो को डिलीट करते हुए इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे हमले की फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने बताया कि क्राइस्ट चर्च के भीतर गंभीर स्थिति थी। पुलिस ने क्राइस्ट चर्च की दो मस्जिद में हुए हमले के मामले में 3 पुरुषों और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए काफी लोग आए थे। अल नूर मस्जिद में हमले के वक्त 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के सदस्य भी हमले के दौरान मस्जिद के अंदर मौजूद थे। खिलाड़ियों को किसी तरह से बाहर निकाल लिया गया है। बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने कहा कि टीम के सभी सदस्य हमलावरों से बचा लिए गए हैं। खिलाड़ियों ने पार्क के रास्ते भागकर जान बचाई। शनिवार को बांग्लादेशी खिलाड़ियों को क्राइस्टचर्च में टेस्ट मैच खेलना था, मगर अब बताया गया है कि मैच को रद्द कर दिया गया है। आतंकवाद कहीं भी हो, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और ऐसी ताकतों से पूरे विश्व को अब मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। अब खबर दिल्ली से। क्रिकेटर एस श्रीसंत पर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बीसीसीआई के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार हैं। कोर्ट ने बीसीसीआई से श्रीसंत को सुनवाई का मौका देने और 3 महीने में सजा तय करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई श्री संत पर अपने लगाए प्रतिबंध पर फिर से विचार करे। अदालत ने कहा कि 3 महीने में बीसीसीआई फैसला करे। अदालत ने कहा कि बीसीसीआई श्री संत का भी पक्ष सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ टाइम बैन ज्यादा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बीसीसीआई से कहा कि वह श्री संत को दी गई सजा के बारे में 3 महीने के अंदर जल्द फैसला करे। इस फैसले के बाद श्री संत ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। मेरे को पूरा मेरे भगवान के ऊपर पूरा उम्मीद है और जुडिशरी सिस्टम में उम्मीद है, मेरे लॉयर्स के ऊपर उम्मीद है और उन लोगों ने जो रेबेका मैम, पिनाकी सर, हाउ डू आई से, विशाल भाई, कृष्ण किच्चू, എല്ലാവരും എന്താ പറയണ, ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ജയരാജൻ ഇത്തനെ മേര മെൻഡർ ജയൻ ജേട്ടൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഐ ഹവ് ടു താങ്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂസ് ദേർ വിത്ത് മീ, മൈ എൽഡർ ബ്രദർ ഹൂ വാസ് ദേർ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ। अब श्री संत पर बीसीसीआई को 3 महीने के अंदर फैसला सुनाना होगा कि उनके ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद उन्हें क्या सजा दी जाएगी।
दरअसल बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का दोष पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था। इसके खिलाफ श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले बीसीसीआई ने कोर्ट में कहा कि श्रीसंत पर भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी और खेल को बेइज्जत करने के आरोप हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायपुर में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कांग्रेस सभी के सहयोग और विचार विमर्श से सरकार चलाएगी। रायपुर में आज राहुल गांधी ने सबको सुना लेकिन बोले कम। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी को हर स्तर की मुफ्त चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करने की योजना बनाई है जिसे जल्दी लागू किया जा सकता है। टीएस सिंहदेव की इस महत्वाकांक्षी योजना को कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में भी स्थान देने जा रही है। रायपुर में मायाराम सृजन फाउंडेशन के द्वारा सर्जन स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा लोगों के सुझाव और उनसे विमर्श कर ही कांग्रेस सरकार काम करेगी। और कोई उदाहरण लेकिन मैं इस से डायरेक्टली कह देता हूं कि हेल्थ केयर के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूं। अबाउट हेल्थ केयर के बारे में आई एम कन्विंस्ड दैट यू आर मोर नॉलेजेबल देन मी। सो हु एम आई टू कम हियर एंड टेल यू what I think your solution should be. You have to tell me what you think the solutions are. I have to go and implement the solutions that you believe. So that is it. सिंहदेव की इस महत्वाकांक्षी योजना पर विस्तार से चर्चा कर राहुल गांधी ने भी इसकी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विशेष तौर से पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को केरल में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में कद्दावर नेता माने जाने वाले टॉम वडक्कन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से परेशान होकर और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वडक्कन ने यह कदम उठाया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व प्रवक्ता टॉम बड़क्कन भाजपा में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि टॉम बड़क्कन मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं। बड़क्कन केरला में कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ होने के साथ ही कांग्रेस के ऑल इंडिया सेक्रेटरी पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा टॉम बड़क्कन कांग्रेस में प्रवक्ता की भूमिका भी निभा चुके हैं। वे रोमन कैथोलिक परिवार से बिलोंग करते हैं। ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ऐसे वक्त पर इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का डेवलपमेंट नैरेटिव पर और प्रोग्राम्स पर जो भारतवर्ष का जो परसेप्शन है वो चेंज करने का जो अटेम्प्ट किया गया है, अटेम्प्ट भी नहीं मेहनत किया गया है, मैं बहुत प्रभावित हूं। भाजपा प्रवक्ता व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि टॉम बड़क्कन ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर और कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर बीजेपी में आने का फैसला किया है। टॉम बड़क्कन ने बताया कि मैं नरेंद्र मोदी की नीतियों से बेहद प्रभावित हूं, मैं उनके देश प्रेम से प्रभावित हुआ हूं। बकौल टॉम बड़क्कन, जब देश पाकिस्तान के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा था तब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बेहद निराशाजनक था। इसी से निराश होकर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आया हूं। लोकसभा चुनाव तक इस तरह के कई सारे दृश्य देखने को मिलेंगे जब इस पार्टी का व्यक्ति उस पार्टी में और उस पार्टी का व्यक्ति इस पार्टी में आता नजर आएगा। अब बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल के न्यू कबाड़खाना इलाके में एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। सुबह के समय इस आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। इस गोदाम में लगी आग ने तमाम सारे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 3 दर्जन दमकलों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। घने बसे हुए न्यू कबाड़खाना इलाके के एक टायर गोदाम में आग लग गई। तड़के ही लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसके बाद उसने पूरे गोडाउन को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस मसले में जांच कर आग लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को 2.5 घंटे मशक्कत करना पड़ी। इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है।
भोपाल के बाद इंदौर से भी एक आगजनी की बड़ी खबर है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक दुकान में लगी आग ने आसपास की 10 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। एक दुकान में खड़े 2 ट्रक इसमें जल गए और बड़ी संख्या में ट्रक के टायरों में आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर की एक दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और 10 दुकानें आग की चपेट में आ गईं। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इसे बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस दौरान आग से बचने के लिए आसपास की दुकानों से कर्मचारी अंदर रखे ट्रक के टायर बाहर लाने लगे। छोटी सी आग ने कुछ ही देर में बड़ा रूप ले लिया। यहां से उठ रहा धुआं बड़ी दूर से नजर आ रहा था। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर के सभी लोग मौके पर जमा हो गए थे और आसपास की दुकानों में रखे सामान को बचाने और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद करते नजर आए। सामान्य तौर पर माना जाता है कि इस सीजन में तेज हवाएं चलती हैं और हवाओं के कारण कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। यह कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब खबर जबलपुर से। जबलपुर में अब ईवीएम मशीनों के लिए एसी स्ट्रांग रूम तैयार किए जा रहे हैं। एमएलबी स्कूल में रखी ईवीएम मशीनों को आज निकाला गया। उसके बाद कलेक्टर छवि भारद्वाज ने बताया कि अब सभी इंतजाम चुनाव आयोग के मुताबिक किए जाएंगे। आज सुबह जबलपुर के एमएलबी स्कूल से ईवीएम मशीनों को निकाला गया। कलेक्टर छवि भारद्वाज ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार स्ट्रांग रूम में 8 एंट्री और 8 एग्जिट कमरों की व्यवस्था की जाएगी एवं सभी रूमों में एसी अवश्य ही लगाया जाएगा। ये कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इन्हें पूरा किया जाएगा। कोर्ट ने जो बर्गी की पिटीशन लगी हुई थी उनमें ईवीएम को रिलीज करने का आदेश दे दिया है और इसीलिए जो बर्गी की मशीन थी लगभग 300 CUBU और VPAT उनको हमने आज FLC का कार्य प्रारंभ कर दिया है। साथ ही नए इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। स्ट्रांग रूम में प्रत्येक AC के लिए अब इंडिपेंडेंट स्ट्रांग रूम बनाया जाना है। तो हम अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रांग रूम है उसको रीमॉडल करके 8 इंडिपेंडेंट एंट्री एग्जिट और 8 इंडिपेंडेंट पार्टीशंस करके उसको हम कैसे कर सकते हैं व्यवस्था उसकी एक बार समीक्षा कर रहे हैं और अगले 15 दिन में हम अपना नई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नया रिकॉर्ड ये स्ट्रांग रूम ईवीएम्स का वेयरहाउस ये तैयार कर लें। खबर राजनीति की। बीजेपी की विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के नेताओं कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही स्थानीय प्रत्याशी की मांग शायद इस बार असर दिखा दे। चुनाव के लिए क्षेत्र के भाजपा संगठन ने आलाकमान को प्रत्याशी चयन के लिए नामों का जो पैनल भेजा है उसमें क्षेत्र के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी और बीजेपी नेता साधना सिंह का नाम भी वरीयता पर है।
विदिशा के इस पैनल में शिवराज और साधना के अलावा उदयपुरा के पूर्व विधायक शशि प्रभा सिंह राजपूत और बुधनी के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय सांसद सुषमा स्वराज अब चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। वे लगातार 10 सालों से क्षेत्र की सांसद हैं। भाजपा के गढ़ के रूप में ख्यात इस सीट को फिर अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए भाजपा यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए अभी तक शिवराज और उनकी पत्नी के नाम को ही प्राथमिकता में रख कर विचार चल रहा है। विदिशा संसदीय क्षेत्र में 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 6 पर भाजपा और विधायक काबिज हैं, जबकि सांची और विदिशा में कांग्रेस के विधायक हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता इस बार शुरू से ही स्थानीय उम्मीदवार की मांग करते आ रहे हैं, चाहे वह विदिशा संसदीय क्षेत्र में कहीं का भी रहने वाला हो। कई बार संगठनों की बैठक में यह बात खुलकर भी सामने रख चुके हैं। इसका मुख्य कारण सांसद तक आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करना है। जबलपुर में फूड पॉइजनिंग के बाद तकरीबन 150 स्टूडेंट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महात्मा गांधी होम्योपैथिक कॉलेज में चल रहे साला ट्रेनिंग प्रोग्राम में दूषित खाना खाने से छात्रों की हालत बिगड़ गई। जबलपुर के गौर स्थित महात्मा गांधी होम्योपैथी कॉलेज में चल रहे सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए विद्यार्थियों की हालत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि रात खाने के बाद से कॉलेज के हॉस्टल में रुके करीब 150 विद्यार्थी बीमार पड़ गए। उल्टी दस्त और बेहोशी की शिकायत पर आनंद फानन में छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरे प्रदेश से छात्र आए हुए थे। छात्रों की हालत बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों का हाल जाना। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन सब कुछ नियंत्रण में होने की बात कर रहा है। छात्रों की माने तो खाना खाने के बाद से ही सभी की तबीयत बिगड़ी। सब्जी रोटी चावल खाए तो दही खाए तो वही सेमी आलू की सब्जी बनी थी। फिर रात को मतलब पेट भारी भारी लग रहा था। फिर बाद में 12-1 बजे से फिर ऐसे ही दर्द होने लगा था, लूज मोशन वॉमिटिंग होने लगा था। स्टमक एकिंग स्टार्ट हुआ, देन 1-2 वॉमिटिंग और लूज मोशन हुआ। तो हमने सवेरे, जैसे बच्चों ने तब हमें इन्फॉर्म नहीं किया, वार्डन को इन्फॉर्म नहीं किया, पर सवेरे 4 बजे ये सब होने के बाद करीब 5:30-6 बजे बच्चों ने वार्डन को इन्फॉर्म किया और हम लोगों ने इमीडिएटली उसी समय बच्चों को ला के अपने होम्योपैथिक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बच्चों को 1-2 ही वॉमिटिंग और लूज मोशन था और साथ में स्टमक पेन था। मे भी उनको थोड़ा सा वेदर की वजह से, या तो दोपहर को रायता खाए थे उसकी वजह से उनको थोड़ा सा, जो भी उनको स्टमक इन्फेक्शन जस्ट राइट आप ये बोल सकते हैं, या तो फिर उनको थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग। और सारे बच्चों को भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ कुछ बाहर के मिटकॉन के बच्चे, उनके डायरेक्टर ने भी खाया था, वो हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कुछ बच्चों को हुआ है। वहाँ के फोन आया था, अभी नीरज तरखिया जो तहसीलदार रांझी हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बच्चों के बयान भी ले रहे हैं। और इमीडिएट तो हमारा अटेंशन ये है कि बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा के उनका ट्रीटमेंट हो जाए। फूड पॉइजनिंग का केस प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, कल जो खाना उनको मिला है उसके कारण बच्चे भर्ती हुए हैं। उसके बाद डेफिनेटली हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किन परिस्थितियों में, वहाँ के मेस की क्या स्थिति है, कैसे हाइजीन कंडीशंस कैसी हैं। और बच्चों की जनरली ये शिकायत थी कि बहुत व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, क्योंकि ये प्रॉपरली एडेड कॉलेज है और सरकार से फंड्स प्राप्त होते हैं, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और हाइजीनिक कंडीशन में बच्चों को भोजन प्रदाय किया जाए। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर छवि भारद्वाज ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तहसीलदार से जांच रिपोर्ट तलब की। कलेक्टर ने माना कि कॉलेज के मेस में जो खाना दिया जा रहा था वो गुणवत्ताहीन है, जबकि कॉलेज को सरकार से फंड भी मिलता है, बावजूद इसके छात्रों को इस तरह का भोजन दिया जाना बड़ी लापरवाही है। आतंकवादी अजहर मसूद के मसले पर चीन के कारनामे का हर जगह विरोध किया जा रहा है। भोपाल में भी चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने चीन का झंडा जलाया। जब आतंकवादी अजहर मसूद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट हो रहा था, ऐसे में चीन आतंकवादी अजहर मसूद के साथ खड़ा नजर आया। चीन के रुख से भारत के लोग बेहद खफा हैं। जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां चाइना के प्रधानमंत्री का पोस्टर और झंडा जलाया गया। देखिए, चाइना तो जो है दोगली नीति अपना रहा है। जिस समय पुलवामा हमला हुआ था उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ जो है आतंकवाद के खिलाफ चाइना भी खड़ा हुआ है, और हमको ऐसी उम्मीद थी कि चाइना अपना दोगलापन शायद भूल गया है
और जिस प्रकार सारे देश जो है भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ थे, उसी प्रकार चाइना भी हमारा साथ देगा। लेकिन जब कल उसने अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने के लिए जब यूएन में प्रस्ताव लाया गया तो उस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लाकर और उसका विरोध किया, आज पाकिस्तान से हाथ मिलाकर उसने जो अपने दोगलेपन का परिचय दिया है ये पूरे देश के सामने, और हम चाहते हैं कि चाइना से जो है हमारे भारत के सरकार के संबंध विच्छेद हो जाने। फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी वनों की अवैध कटाई जारी है। ऐसे में जशपुर नगर के जंगल में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जहां चिपको आंदोलन की तर्ज पर ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे पेड़ों से लिपट गए। ग्राम चिकपाठा में जागरूकता कार्यक्रम और गोष्ठी के बाद ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जशपुर नगर क्षेत्र के जंगल में चिपको आंदोलन एक बार फिर जीवंत हो गया। ग्राम चिकपाट में ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और सैकड़ों की संख्या में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से लिपट गए। पर्यावरण जागरूकता को लेकर संवेदना समूह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में ग्रामीणों को जंगल के महत्व की जानकारी दी गई। इसके बाद सभा स्थल से उठकर ग्रामीण आसपास के पेड़ों से लिपट गए व हाथ रखकर संकल्प लिया कि अपने जीते जी हरे पेड़ों को कभी नहीं काटेंगे। कार्यक्रम को सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रकाश पांडे, आनंद जैन, विकास प्रधान, राज कपूर भगत ने भी संबोधित किया। गांव के बुजुर्गों ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर इस संकल्प के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने निर्णय किया कि वे अब जंगल में सूखी लकड़ी व पत्ते ही लाएंगे। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वे जंगल में कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश नहीं करेंगे, न ही किसी आसपास के ग्राम के ग्रामीणों को ही जंगल में प्रवेश करने देंगे। यहां यह निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को आसपास के पंचायतों में भी चलाया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने वृक्षारोपण का भी संकल्प किया। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़वानी जिले के अंजड़ पुलिस ने आपराधिक तत्वों पर निगरानी के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। भगोरिया होली और लोकसभा चुनाव के चलते जिले की अंजड़ पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। अंजड़ पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। अंजड़ थाना पुलिस के क्षेत्र ग्राम उचावद के पास खेतों पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मौके से लगभग 150 लीटर शराब के साथ ही 2000 लीटर का महुआ लाहान बरामद हुआ है। शराब और महुआ लाहान को नष्ट कर दिया गया है, साथ ही वहां बनी हाथ भट्टियों को तोड़ दिया गया है। पुलिस ने मौके से 3 बाइक और 10 ड्रम सहित बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री जब्त कर ली है,
जानकारी के मुताबिक कार्यवाही के दौरान तीन आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में जाने के साथ हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो अपने ही अंदाज में सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। और भैया, चुनाव की घोषणा हो गई है और नेता तो ऐसे भैरन लगे। बता रू, कल एक नेताजी रात में ही ना उठ के अपनी पत्नी के पीछे छूने लगे, बोले वोट दो। रात में ये होने लगा है, बता रहे ऐसे ऐसे भैराने लगे नेता। ये एक भाई साहब उठ के ना रात में भाग लिए, वो वहाँ पहुँच गए अपनी पार्टी कार्यालय, बोले टिकट दो टिकट दो। नींद में ऐसे घूमते हुए बता रहे हो, ये ऐसे ऐसे भैरन लगे ये लोग। हाँ, ये होने वाला है। और बता रहे हो, जो मांगना है मांग लो इनसे। इस समय अब चुनाव आ गया है, जो मांगना है मांग लो। दारू की बोतलें जितनी मांगना है, जो पैसा वगैरह मांगना है, जो लिस्ट बना लो एक, क्योंकि अभी ये दे देंगे फिर बाद में पकड़ में नहीं आए। वो बता रहे हो, चुनाव है ना ये 7 चरणों में होने वाला है। और चुनाव चरणों में क्यों होता है ये पता है तुम्हें? चरणों मतलब होता है कि पहले ये आएंगे तुम्हारे चरण छुएंगे, वोट दो वोट दो दो, है ना। उसके बाद क्या है, जैसे चुनाव ख़त्म हुआ फिर तुम इनके चरण ढूंढते फिरना। हाँ, फिर इनके चरण नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक भैया अभी कुछ दिन पहले एक बेहतरीन किस्म का कांड हुआ, जूता कांड मालूम है। वो सांसद महोदय ने 4 सेकंड या 5 सेकंड में 7 बार जूते ढबा ढब मार दिए विधायक को। तो ये तो चल रहा है, बता रही हूँ। वो उसमें क्या है, मोदी जी का कहना है, मित्र हमने जूते को मजबूत किया है, जूता मजबूत होगा तो बूथ भी मजबूत होगा, बूथ की जगह वोट मजबूत हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बताओ ना, जूते की फैक्ट्रियां खुलेंगे, नया स्टार्टअप होगा, मजबूत जूते बनेंगे, होगा कि नहीं होगा? इस पर राहुल गांधी का कहना है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए भैया, ये सरासर अन्याय है भैया, केवल जूते मारे उन्होंने, चप्पलें भी मारना चाहिए था भैया, ये अन्याय है चप्पलों के साथ। हाँ भैया, ये अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चप्पलों को भी महत्व देना चाहिए भैया। ये तो जल लिया है भैया। और मैं बता रहा हूँ, ये जो चुनाव में खड़े होंगे नेता, इनको अपना है ना आपराधिक रिकॉर्ड इन्हें देना पड़ेगा, 3 विज्ञापन देने पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ 3 विज्ञापन होगा क्या? इनके भैया अपराधों के रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, कई मर्डर किए हैं, कईयों ने कुछ किए हैं, ये तो इसे आसान थोड़ी है इतना। एक समाचार ये सुन लो भैया, कमलनाथ सरकार युवाओं को है ना बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रही है भैया। वो ट्रेनिंग सीख के बैंड बजाएंगे धपा धप पी 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 पी। और मैं बता रहा हूँ, कितना कंपटीशन हो जाएगा बैंड वालों में, ये बहुत सस्ती मिलने लगेंगी। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, ये जैसे इनको बैंड बजाना सिखा रहे हो, अभी आ रहे हैं चुनाव, अब देखते हैं किसका बैंड बजाती हैं, ये तो भाई चुनाव में पता लगेगा। हाँ, और ये खबर इधर पर देख लो, ये हार्दिक पटेल है ना जो, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं बता रहा हूँ, ये पटेल वटेल इनके आरक्षण के लेके इतने आंदोलन किए, इनको इकट्ठा किया, पटेलों को मूर्ख बनाया, बता रहे हो आरक्षण वाक्षण तो मिला नहीं इनको, ये तो है ना, इनको है ना कांग्रेस में जगह मिल गई, इनको बनना था नेता और बन गए। और पटेल अटेल जाए भाड़ भी है, इनकी नेतागिरी चलेगी, ये तो ऐसा तो हो रहा है बता रहे हो, ये सब चल गया है। और मैं भैया जा रहा हूँ, कोई पार्टी वार्टी देखता हूँ, चुनाव आ रही है, कोई सांसद वगैरह का टिकट मुझे भी मिल गया, क्या मैं यहीं बैठा रहूँगा? हाँ, वो आप लोग भी देखो, ट्राई तो करना चाहिए। हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।